तो हम लोग आलमंड में अभी कहाँ तक पहुंचे थे? हाँ, तो हम लोगों ने इसका प्रोटीन एंड फैट कंटेंट वगैरह लिख लिया था। अब हम लोग अगर आलमंड से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स देखें, तो आलमंड का उपयोग तो हर जगह करते हैं। आप लोग खीर बनाओ, केक बनाओ, पेस्ट्री बनाओ, जैम बनाओ, सब में आलमंड डाला जाता है। आलमंड के एक दो प्रोडक्ट हैं, जैसे कि आलमंड बटर। आलमंड से बटर बनाया जाता है, जैसे कि पीनट बटर। आप लोग देखते होंगे ब्रेड के साथ खाने के लिए पीनट बटर लेते हैं ना, कई लोग जो है उसमें अच्छा टेस्ट आता है करके लेते हैं, वैसे ही आलमंड का भी बटर बनता है। आलमंड के बटर की खासियत यह है कि आलमंड बटर जब बनाते हैं तो उसमें बिल्कुल भी स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, फ्री फ्रॉम स्टार्च होता है। तो इसको हम लोग जो है डायबिटिक पेशेंट के लिए यूज करते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए यूज करते हैं। तो आलमंड से आपका क्या बनता है? आलमंड बटर बनता है। ऐसे ही आलमंड मिल्क, जैसे कि सोया मिल्क देखे होगे आप लोग, हर्बल लाइफ या ये वो दुनिया भर की जो चीजें नहीं होती है, जो लोगों को पतला करने के लिए प्रोडक्ट चल रहे हैं, उसमें से एक आलमंड मिल्क भी होता है। ये काउ मिल्क के सब्स्टिट्यूट के रूप में काम करता है। तो काउ मिल्क के सब्स्टिट्यूट के रूप में काम करता है आलमंड मिल्क, और आलमंड बटर भी इससे बनाया जाता है। यहाँ तक का चीज क्लियर है सभी लोगों को? सेकेंड क्या है? तो हाँ, क्या बोल रहे हैं? डायबिटिक पेशेंट है। हाँ, डायबिटिक पेशेंट के लिए काम आता है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट को इससे शुगर से प्रॉब्लम होता है ना, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च से, तो वो होता नहीं है इसमें। तो डायबिटिक पेशेंट के लिए आप आलमंड बटर को रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसका ओरिजिन और बाकी चीजें तो आप लोगों को क्लियर है ही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को? आलमंड में एक शब्द आप लोग सुनोगे, ग्रीन नट। ग्रीन नट क्या होता है? हम लोग आलमंड को जो है, हम लोग जो है ना इमेच्योर स्टेज में ही हार्वेस्ट कर लेते हैं। जो आपका जो हल स्प्लिटिंग होता है ना, हल स्प्लिटिंग, यस सर। इससे पहले ही, बिफोर हल स्प्लिटिंग ही हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन स्टेज में आलमंड को हार्वेस्ट कर लेते हैं। उसमें क्या होता है, आपका जो कर्नल होता है वो एकदम मिल्की स्टेज में होता है, मतलब एकदम सॉफ्ट होता है, टेंडर होता है। तो उस स्टेज में जब हम लोग हार्वेस्ट करते हैं, तो हम लोग आलमंड को क्या कहते हैं, ग्रीन आलमंड या ग्रीन नट के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर है? यहां तक की चीजें सबको क्लियर है? ठीक, अब हम लोग आलमंड की कुछ स्पीसीज के बारे में बात कर लेते हैं। स्पीसीज की अगर अपन बात करें, तो आलमंड में एक आता है जिसे हम लोग कहते हैं फ्लावरिंग आलमंड, रूनस ट्राइलोबा है। ठीक है, TRILOBA, प्रूनस ट्राइलोबा को हम लोग जो है फ्लावरिंग आलमंड, या इसको इसका ऑर्नामेंटल स्पीसीज के बारे में, ऑर्नामेंटल स्पीसीज कह सकते हैं। ये एक्चुअल में आलमंड का स्पीसीज है, याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा कल्टीवेटेड आलमंड को डलसिस कहते हैं, ये तो पता ही है। इसके अलावा हमने पढ़ा था प्रूनस फेंजिलियाना, याद है, फेबू, प्रूनस फेंजिलियाना यस इंक्लूड बुचारिका। हाँ, इसके अंदर क्या खासियत है, रेजिस्टेंट टू ड्रॉट। ऐसे ही आप लोगों ने आलमंड में एक और स्पीसीज पढ़ा था प्रूनस वेबी, ठीक है, जो कि क्या है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी जीन को कंट्रीब्यूट करता है, सोर्स ऑफ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। ये कहाँ से आया है, सोर्स ऑफ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी फॉर कल्टीवेटेड आलमंड। कल्टीवेटेड आलमंड के सोर्स ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी के रूप में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, यहां तक नोट करिए, फिर मैं आगे लिखाता हूँ। हो गया यहाँ तक? ठीक, इसके बाद यस एक बचा है क्या, कुछ हो गया? अब नेक्स्ट आता है एक, जो हमारा है प्रूनस डलसिस। प्रूनस डलसिस की बात करें तो ये हमारा क्या है, कल्टीवेटेड आलमंड है। ये जो कल्टीवेटेड आलमंड है, इस प्रूनस डलसिस की खासियत क्या है कि इसमें जितने भी आलमंड होते हैं वो सब किस प्रकार के आलमंड होते हैं, स्वीट आलमंड होते हैं, मतलब इसमें कोई भी एमिग्डेलिन कंटेंट नहीं पाया जाता। पर हम कितनों भी स्वीट आलमंड क्यों ना कह लें इसमें, पर हर आलमंड के पौधे में कुछ मात्रा में बिटर फ्रूट पाए जाते हैं। बिटर फ्रूट कुछ ना कुछ मात्रा में हर आलमंड ट्री में पाया जाता है, बिटर फ्रूट ऑन ईच ट्री। हर ट्री में कुछ ना कुछ मात्रा में सम फ्यू 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 बिटर फ्रूट आपको हर आलमंड के ट्री में देखने को मिलेगा। पर इस स्पीसीज की एक एक्सेप्शन है,
एक वैरायटी है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अमारा वैरायटी कहते हैं। ये अमारा वैरायटी खासियत क्या है कि ये अमारा वैरायटी प्रूनस डल्सिस स्पीसीज का ही है, पर इसमें कंप्लीटली बिटर फ्रूट बनते हैं, बाकी सब में सिर्फ कुछ मात्रा में बनते हैं, इसमें कंप्लीटली बिटर फ्रूट बनते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन, इसको याद रखना, और एक्सेप्शन से ही सवाल बनते हैं। तो अमारा एक वैरायटी है जिसमें कंप्लीटली बिटर फ्रूट बनता है। ये तीन चार स्पीसीज आप लोग को याद रखने हैं आलमंड के बारे में, ठीक है, याद रहेगा इतना। इसके अलावा हमने एक पढ़ा था, एक ऐसी वैरायटी जो कि आलमंड का स्पीसीज तो नहीं है, लेकिन इसको भी हम लोगों ने आलमंड का नाम दिया हुआ है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल आलमंड कह लो, या फिर क्या कहते हैं, फॉल्स आलमंड कहते हैं, जो कि सेम आलमंड की तरह दिखता है, जिसका नाम हमने क्या पढ़ा है ऑलरेडी, टर्मिनेलिया कटप्पा, फैमिली कॉम्ब्रिटिएसी, कॉम्ब्रिटिएसी फैमिली है, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है, मल्टी टायर ब्रांचिंग हैबिट, मल्टी टायर ब्रांचिंग हैबिट इसमें पाई जाती है। ठीक, यहां तक क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। ठीक, अगर हम लोग इसके क्लाइमेट की बात करें, आपका जो क्लाइमेट है, तो इसको कूल विंटर वगैरह चाहिए होता है, पर चूंकि आपको पता है कि इसमें फ्लावरिंग कौन से महीने में आ जाती है, जनवरी एंड फरवरी स्टार्टिंग में आ जाती है कि नहीं, तो ये ऑटोमेटिकली किसके लिए ससेप्टिबल हो गया, स्प्रिंग फ्रॉस्ट। तो लिख लीजिए ससेप्टिबल टू स्प्रिंग फ्रॉस्ट, स्प्रिंग फ्रॉस्ट के लिए ये क्या होता है, ससेप्टिबल होता है, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा इतनी जल्दी फ्लावरिंग आ रही, मतलब इसका चिलिंग रिक्वायरमेंट हाई होगा कि कम होगा, कम। चिलिंग रिक्वायरमेंट इसका 100 से 700 घंटे के आसपास होता है, एक बार आप लोग हैंडबुक चेक कर लीजिएगा, अगर कोई वेरिएशन होगा तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इस हिसाब से हमको क्या समझ में आ गया कि भाई इसका लिमिटिंग फैक्टर जो है, जिससे इसकी ग्रोथ में प्रॉब्लम आ सकता है, वो क्या है, आपका स्प्रिंग फ्रॉस्ट है। इसके अलावा ये कहीं ना कहीं जीरो फाइटिक नेचर शो करता है, यानी कि वाटर स्ट्रेस को झेल सकता है। अब वाटर स्ट्रेस झेल सकता है, इसका ये मतलब नहीं कि पानी नहीं होगा तो भी जबरदस्त फ्रूटिंग करेगा, पानी नहीं होगा तो कुछ मात्रा में कम फ्रूटिंग करेगा, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं इसके रूट स्टॉक में। अगर हम लोग आलमंड के रूट स्टॉक की बात करें, तो आलमंड में रूट स्टॉक में सबसे पहले तो आप लोग जो है पीच सीडलिंग को उपयोग कर सकते हो, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आलमंड एंड पीच हाईली रिलेटेड है, तो नेमा गार्ड, नेमा रेड, इसको हम लोग एज एन रूट स्टॉक के रूप में यूज कर सकते हैं। नेमा गार्ड का क्रॉस याद है, प्रूनस डेविडियाना इनटू प्रूनस पर्सिका याद है, ये दोनों ही रेजिस्टेंट टू नेमाटोड है। इसके अलावा पीच इनटू आलमंड का एक क्रॉस है, जिसे हम लोग क्या नाम से जानते हैं, पीच इनटू आलमंड क्या हो गया, स्लो नेचर, ठीक है। और इसी से कुछ क्लोनर, कुछ और रूट स्टॉक भी डेवलप किए गए हैं, जिसको GF677, GF557 कहते हैं, जो कि पीच और आलमंड के क्रॉस से ही बनाया गया है, ये भी आपका जो है एज एन रूट स्टॉक यूज हो सकता है। इसके अलावा आलमंड इनटू पीच, ये सारे रूट स्टॉक रिपीट हो रहे हैं ना, जिसको हम लोग प्रूनस बहमी या फिर प्रूनस नीरा के नाम से जानते हैं, इसको भी एज एन रूट स्टॉक हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके अलावा प्लम की भी कुछ रूट स्टॉक है, जैसा कि हम लोग पहले ही बोल रहे हैं कि ये सब सेम सब फैमिली की है, तो ये आपस में रिलेटेड है। तो मेरियाना 26-24 और माइरोबालन पढ़े थे अपन, याद है 29C, है ना, तो माइरोबालन जो रूट स्टॉक है या मेरियाना है, इसको भी एज एन रूट स्टॉक के रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि देखो इसमें सारे क्रॉप का रूट स्टॉक जो है इसमें यूज हो सकता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। Yes, sir. लेकिन कुछ आलमंड के स्पेसिफिक रूट स्टॉक भी हैं, जैसे कि टाइटन, ठीक है, जैसे कि टाइटन, जैसे कि विल्किंग, जैसे कि आपका हेंसेन, जैसे कि आपका एटलस, जैसे कि आपका काबुल ग्रीन गेज, और ये काबुल ग्रीन गेज कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको याद रखेंगे, और इस्तारा,
बीच में भी हमने इस्तारा रूटस्टॉक के बारे में पढ़ा था, अगर याद हो तो इस्तारा, काबुल ग्रीन गेज, एटलस, प्लम में भी ऐसे नेल्सन, विल्किंग, टाइटन, ये सब रूटस्टॉक के रूप में यूज होता है। हाँ कुछ पूछ रहे क्या? सर, ये काबुल ग्रीन गेज प्लम में भी है क्या? हाँ ये सब आपस में यूज होते हैं सभी लोग, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कहीं पे और भी पढ़े होगे तो ये सब इंटरचेंज होते रहते हैं एक दूसरे में, एज एन रूट स्टॉक यूज होता है, बट ये मेनली इसी का रूट स्टॉक है। ठीक है, ये जो काबुल ग्रीन गेज है ये ड्वार्फिंग रूट स्टॉक है। अब देखो इसको याद करना है तो कैसे याद करोगे? ठीक है, तो इसको याद रखना है तो कैसे याद रखोगे? कब तक टीवी में हैन, हैन यानी कि मुर्गी, कब तक टीवी में हैन और एटलस यानी कि जिसमें नक्शा देखते हैं, एटलस में काबुल को इस तरह देखोगे? ठीक है, ट्रिक क्या है? कब तक टीवी में हैन और एटलस में काबुल को इस तरह देखोगे? छेरो जो आपके छेयों के छेयों रूट स्टॉक है वो याद हो जाएगा। टी फॉर टाइटन, वी फॉर विल्किंग, हैन से क्या बन गया? हैंसन, एटलस से क्या बन गया? एटलस, काबुल से बन गया काबुल ग्रीन गेज, और इस तरह से बन गया इस्तारा। तो इस तरीके से आप रूट स्टॉक को यूज कर सकते हो, बाकी सारे तो पुराने हैं, उसको तो याद करने की जरूरत है ही नहीं, है ना? वो तो ऑटोमेटिकली पीच में आप यूज किए हो, प्लम में यूज किए तो वहां से आपको याद हो गई बाकी रूट स्टॉक। क्लियर है? कब तक टीवी में हैन और एटलस में काबुल को इस तरह देखोगे? पूरा आपका इसमें रूट स्टॉक आपको याद हो जाएगा। ठीक है, लगभग टेम्परेरी रूट स्टॉक तो ऐसे ही आपको याद हो जाएंगे। लिख लीजिए इसको, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ सर, हाँ बोलिए। आलमंड इनटू पीच का बताइए ना वैरायटी, मतलब उसका रोड स्टॉक, क्या बोल रहे हैं? आलमंड इनटू पीच का रोटी स्टॉक एक वहमी था और क्या क्या था सर? नीरा, NIRA, नीरा। कहीं कहीं ओके पे सर, मीरा ओके। नाम भी पढ़ने को मिलेगा, कुछ बुक में मीरा दिया है, नीरा दिया है कुछ में। जैसे ग्लोस्टस इंस्टेंट देखोगे तो नीरा दिया है, बट टीके बोस या वो सब देखोगे तो मीरा दिया हुआ है। दोनों ही नाम आप याद रखेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं इसके प्रपगेशन में। तो देखो प्रपगेशन में कुछ भी नया नहीं है, सेम चीजें अपनी रिपीट हो रही है। अगर मैं प्रपगेशन की बात करूं तो सीड का उपयोग केवल और केवल कब होगा? जब आप लोग सीडलिंग रूट स्टॉक डेवलप करना चाहेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग कमर्शियल की बात करें तो कमर्शियल में क्या आ जाएगा बताइए? प्री डीबडिंग बडिंग एंड फेज में ग्राफ्टिंग, टी बडिंग और टंग टंग ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग ग्राफ्टिंग दोनों ही आ जाएगा, जुलाई अगस्त, फरवरी मार्च। ठीक है, फरवरी मार्च, और टी बडिंग जो है जुलाई अगस्त। ठीक है, हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग इसकी प्लांटिंग की बात करें तो नॉर्मली 6 × 6 मीटर स्क्वायर, 5 × 5 मीटर स्क्वायर की दूरी में लगाते हैं, पर अगर हमको हाई डेंसिटी प्लांटिंग करना है तो 2.5 × 2.5 या फिर 3.5 × 3.5 मीटर स्क्वायर में भी लगा सकते हैं। 2.5 × 2.5 और 3.5 × 3.5 मीटर में लगा सकते हैं। अगर हमको टाइम की बात करें तो वही है, दिसंबर के आसपास करेंगे। लीफलेस स्टेज में किए तो क्या कहलाएगा? वीप कहलाएगा। वीप। तो वीप, और फीडर्ड करना है तो फिर फरवरी मार्च में करोगे। ठीक है, अब प्लांटिंग करेंगे तो भाई इसमें सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी भी पाई जाती है, तो हम इसमें किसका उपयोग करेंगे? पॉलिनाइजर 2 to 3 वैरायटी, एटलीस्ट 2 वैरायटी होना चाहिए। 15 से 33% तक पॉलिनाइजर का उपयोग करेंगे, याद हो चुका है। ठीक है, एटलीस्ट 2 वैरायटी, एक पहले फ्लावरिंग करे, एक बाद में फ्लावरिंग करे। पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटर का भी उपयोग कर सकते हो, आप पॉलिनेटर्स का उपयोग कर सकते हो। 3 to 4 बी हाइव्स का यूज कर सकते हो पर हेक्टेयर, 3 से 4 बी हाइव का उपयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग इसके ट्रेनिंग सिस्टम की बात करें तो सेम मॉडिफाइड लेडर सिस्टम उपयोग होता है, कोई नई बात नहीं है इसमें, लगभग चीजें आप लोग को याद हो चुकी हैं। अब मेन आता है प्रूनिंग। तो भाई प्रूनिंग किस चीज से डिसाइड होता है? उसके फ्लावरिंग बिहेवियर से, क्योंकि अल्टीमेटली प्रूनिंग हम जो करते हैं
मैक्सिमम यील्ड गुड क्वालिटी यील्ड के लिए करते हैं ना प्रूनिंग, तो एक बात बताइए ये इसमें जो फ्लावरिंग है वो कौन से ब्रांच में आती है? स्पर वन ईयर और ओल्ड स्पर ईयर ओल्ड स्पर ब्रांच या फिर स्पर में आती है, और एक बार फ्लावरिंग आ गई तो कितने साल तक फ्लावरिंग कर सकती है? कंटिन्यूस 5 ईयर्स पांच टू फ्लावर फॉर 5 ईयर। अब एक बात बताओ, ये हो गया आलमंड का पौधा, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, और ये ब्रांच है, पांच ब्रांच हो गया। मान के चलो कि इसमें पांचों में एक साथ 1 ईयर ओल्ड में आया, पांचों में एक साथ फ्लावरिंग आ गई। अब ये पांचों जो ब्रांच और इसमें स्पर हैं वो अगले 5 साल तक फ्लावरिंग देने वाले हैं, तो जब ये फ्लावरिंग दे ही रहे हैं तो क्या मुझे कटिंग प्रूनिंग की जरूरत है? वो डेड डिजीज को काट के फेंकते हैं उसकी बात नहीं कर रहे, एक्चुअल प्रूनिंग की बात कर रहे हैं, क्या जरूरत है क्या? नो सर, नो सर। नहीं है। तो 5 साल तक तो इसमें कंटिन्यूअसली फ्रूटिंग आएगी, पर 5 साल के बाद क्या होगा? 5 साल के बाद ये सारे ब्रांच क्या फ्रूटिंग कर पाएंगे? नो नो सर, सर नो नहीं सर। कर पाएंगे। तो 5 साल के बाद क्या होगा? जैसे ही 5 साल होगा तो हमको करना पड़ेगा, सारे ब्रांचेस को कट करना पड़ेगा ताकि यहां से नए ब्रांचेस आए और उसमें फ्रूटिंग आए। लेकिन फ्रूटिंग कितने ईयर ओल्ड में आती है? वन ईयर ओल्ड 1 ईयर ओल्ड। मतलब 5 साल के बाद अगर आप करोगे तो 1 साल तो उसको तैयार होने में लगेगा, तो 6th ईयर में क्या मुझे कोई फ्लावरिंग या फ्रूटिंग देखने को मिलेगी? तो नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। 1 साल का पूरा गैप पड़ जाएगा, तो 1 साल मेरे को नुकसान होगा कि नहीं होगा? होगा सर, यस सर, होगा। अब यस सर। भाई 5 साल तक किसान के पास भरपूर पैसा है, 6वें साल पैसा ही नहीं रहेगा, तो उससे बेटर क्या है कि क्यों ना मैं हर साल थोड़ा थोड़ा लॉस झेल लू और 6वें साल भी मैं फ्रूटिंग लू। जैसे कि क्या करूं कि मान के चलिए ये आपका आलमंड का पौधा है, ये भी फ्रूटिंग ब्रांच, ये भी, ये पांच फ्रूटिंग ब्रांच है, तो क्यों ना 1st ईयर में मैं इसको काट दूं? तो जब 1st ईयर में फ्रूटिंग, 1 साल 1 ईयर ओल्ड हो गया, एक बार फ्लावरिंग में आ गया, फिर 1st ईयर में मैंने इस एरिया को काट दिया, तो यहाँ पे अभी नया ब्रांच डेवलप होगा, तब तक मैं इन चारों से फ्रूट हार्वेस्टिंग करूंगा। नेक्स्ट ईयर यस इसमें भी फ्लावरिंग आने लायक हो जाएगा, तो उस साल मैं इसको काट दूंगा, तो ये जो चार ब्रांच है इससे मिलेगा। 3rd ईयर में इसमें हार्वेस्टिंग करूंगा और ये जो चार ब्रांच है, मतलब इसमें कटिंग करूंगा और ये चार ब्रांच में फ्लावरिंग मिलेगा। 4th ईयर में मैं इसमें प्रूनिंग करूंगा, 5th ईयर में मैं इसमें प्रूनिंग करूंगा, तो 6th ईयर में केवल और केवल इसमें फ्रूटिंग नहीं आएगा, बाकी ये चार में तो आएगा ही, समझ रहे हो? हर साल मैं क्या करूंगा, पौधे के 1/5, 1/5 हिस्से को मैं जो है प्रूनिंग करूंगा, और बाकी जो चार हिस्से बचे हैं उससे मैं फ्रूटिंग लूंगा। इस तरीके से क्या होगा कि 1/5 पार्ट में हर साल मुझे फ्रूटिंग नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी जो चार, मतलब 80% एरिया में हर साल फ्रूटिंग मिलेगा, 20% एरिया को हर साल काटूंगा। तो इस साल से आप इस तरीके से आप देख सकते हो कि कंटिन्यूअसली हर साल मुझे फ्रूटिंग मिलेगा, तो जो 6th ईयर में गैप पड़ने वाला था वो पड़ेगा क्या अब? नो सर, नो सर, नहीं। तो चूंकि ये 5 साल तक फ्रूटिंग में रहता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 1/5 पार्ट ऑफ फ्रूटिंग वुड जिसमें फ्रूटिंग आती है वो 1/5 पार्ट को प्रून करते हैं हर साल। इस प्रून्ड एवरी ईयर, हर साल हम लोग जो है उसको करते हैं टू स्टिम्यूलेट न्यू शूट एवरी ईयर, ताकि हर साल नया ग्रोथ आते रहे और हमको कंटिन्यूअसली यील्ड मिलता रहे, फॉर कंटिन्यूअस यील्ड। ठीक है, क्लियर है? ठीक, तो ये इसका प्रूनिंग में था। यहां तक क्लियर हो गया सबको प्रूनिंग? यस सर, ठीक। स्लाइड में हाँ, इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए फ्लावरिंग। फ्लावरिंग में कुछ खास नहीं है, फ्लावरिंग आपको पता है लेटरली आता है, ब्रांच में भी और स्पर में भी। 1 ईयर ओल्ड में आता है, 5 साल तक रहता है, ठीक है। फ्लावर व्हाइट टू पिंक कलर के आते हैं, एंटेमोफिलस है, हेटरोस्टाइलिस में पाई जाती है, ये चीज तो आप लोगों को पता है। पिन, थ्रम और मीडियम तीनों टाइप के पाए जाते हैं, पिन भी पाया जाता है, थ्रम भी पाया जाता है और मीडियम स्टाइल, तीनों प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं, पिन, थ्रम
और मीडियम, तीनों प्रकार के स्टाइल लेंथ आपको देखने को मिलते हैं। तो हेटरो स्टाइल ही पाई जाती है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी गैमेटोफाइटिक टाइप की पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो है पॉलिनाइजर का उपयोग करते हैं, एग्जाम्पल सारा चीज आप लोग पढ़ चुके हो तो कोई नई चीज नहीं है। पॉलिनाइजर 33%, 15 से 33%, 2 to 3 वेराइटी, ठीक है। तो सारी चीजें आपको पता है। अगर वेराइटी की बात करें तो IXL, नेप्लस, अल्ट्रा और एक और कौन सा था, वारिस, ये सभी को एज एन पॉलिनाइजर हम लोग यूज करते हैं। 4 to 6 बी हाइव्स कर लिए, 3 to 4 या 4 to 6 बी हाइव्स आप यूज कर सकते हो पर हेक्टेयर। ठीक है, इतनी चीजें याद है आप लोग, इतनी चीजें समझ में आई, याद रखेंगे। अगर बहुत ज्यादा ड्रॉट पड़ता है तो पौधा क्यूसेंट स्टेज में चला जाता है, क्यूसेंट स्टेज में चला जाता है मतलब अपनी एक्टिविटी रिड्यूस कर देता है, कहीं ना कहीं डोरमेंट की तरह बिहेव करने लगता है। इससे क्या होता है, वो प्रोटेक्ट फ्रॉम वाटर स्ट्रेस, इसी को अपन जीरो पीटी कैरेक्टर जो कहते हैं ना, वाटर स्ट्रेस से बचाने के लिए ये क्यूसेंट स्टेज में चला जाता है बहुत ज्यादा डार्क हो तो, ड्रॉट कंडीशन हो तो। ये इसका क्या है, जीरो फाइटिक कैरेक्टर है वाटर स्ट्रेस से बचने के लिए, ठीक है। यहां तक क्लियर है, 4 से 6 बी, 4 से 6 बी हाइव्स, अगर हम लोग इसके न्यूट्रिशन की बात करें तो जिंक डेफिशिएंसी से लिटिल लीफ होता है, ठीक है। बोरॉन डेफिशिएंसी की वजह से टिप बर्न का सिम्टम देखने को मिलता है, ड्रॉट वाली कहीं स्लाइड, ड्रॉट सीजन में क्यूसेंट स्टेज, क्यूसेंट याद है हमने फिग में भी पढ़ा था, क्यूसेंट स्टेज में चला जाता है वाटर स्ट्रेस से बचने के लिए, ये इसका एक जीरोफाइटिक कैरेक्टर है। ठीक, यहां तक हो गया, यस सर। ठीक, नोट कर लीजिए, जहां पे हो जाएगा फिर बताइएगा मुझे, तो मैं आगे आप लोग को इन्फॉर्म लिखाता हूँ। सर वो बोरान है ना, बोरान, हाँ, बोरान डेफिशिएंसी से टिप बर्न। कुछ सेल्फ फर्टाइल वैरायटी, चलो उसको वैरायटी के सेक्शन में, यहां तक हो गया। Yes, sir. अब आप लोग को याद होगा हमने पढ़ा था इसमें भाई दो ओव्यूल और दो एग पाए जाते हैं, है ना, जिसमें से एक जो है डिजेनरेट हो जाता है, सप्लम में हमने पढ़ा था। तो क्या होता है, इसमें एक फिनोमेना पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डबल कर्नल, दो कर्नल हमको देखने को मिलते हैं। ये किसके कारण होता है, फर्टिलाइजेशन ऑफ बोथ एग, बोथ एग के फर्टिलाइजेशन के कारण डबल कर्नल देखने को मिलते हैं। वहीं पे कई जगह पे स्मॉल सीड का भी देखने को मिलता है। जब पार्थिनोजेनेटिकली फ्रूट का डेवलपमेंट हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तब वो वहां पे छोटा सा सीड बनता है। तो पार्थिनोजेनिक डेवलपमेंट अगर हुआ है, आपको पता है ना पार्थिनोजेनेसिस होता है, पार्थिनो कार्पी या पार्थिनोजेनेसिस डेवलपमेंट होता है तो सीड का साइज छोटा हो जाता है। तो स्मॉल सीड डेवलपमेंट जो है पार्थिनोजेनिक डेवलपमेंट के कारण होता है, ठीक है। अगर मैं इसके फ्रूट ग्रोथ कर्व की बात करूं तो कौन सा आएगा, डबल सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व आएगा, याद रखेंगे, बाकी चीजें तो आपको पता ही है। और अगर हम लोग इसकी मैच्योरिटी की बात करें, मैच्योरिटी इंडेक्स, तो याद रखेंगे मैच्योरिटी इंडाइस क्या होता है, जब इसका हल स्प्लिट होने लगे,
हल स्प्लिट होने लगे तो वो इसका क्या है, एक मेच्योरिटी इंडाइस है। ठीक है, हल स्प्लिटिंग इसका क्या होता है, मेच्योरिटी इंडाइस होता है, याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है। ये हल स्प्लिटिंग होने के लगभग 1.5 मंथ आफ्टर हार्वेस्टिंग किया जाता है, इसके 1 से 1.5 महीने के बाद हम लोग हार्वेस्ट करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं इसके हार्वेस्टिंग में। तो देखो, हार्वेस्टिंग के कई तरीके हो सकते हैं। एक तो आप हैंड हार्वेस्टिंग करो जाके, जैसे नॉर्मली सारे क्रॉप में करते हैं, पर ये तो नट क्रॉप है। अगर मैं इसको ट्री से झड़ा के नीचे गिरा भी दूं तो क्या कोई प्रॉब्लम है? नो सर। कोई डैमेज होगा? नहीं होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिकल हार्वेस्टिंग करते हैं। आप लोग को याद होगा हम लोगों ने नट क्रॉप में मैकेनिकल हार्वेस्टिंग पढ़ा हुआ है, याद है? यस। इसे फोन का उपयोग के टाइम में मैं बताया था, है ना? तो क्या करते हैं, जब आपको ये समझ में आ जाए कि मोर देन 50% जो नट है उसमें स्प्लिटिंग आ गया है, तो आपको क्या लगेगा कि हाँ भाई अब मैक्सिमम चीजों में, तो अब भाई ऐसा थोड़ी है कि वो ट्रैक्टर को रोज रोज ला के प्लांट को शेक करोगे, रोज रोज जो है 10, 15, 20, 50, 100 आलमंड को कलेक्ट करोगे, ऐसा तो होगा नहीं। जब आपको समझ में आ जाए कि 50% जो आपके आलमंड है वो क्या हो गए हैं, वो क्रैकलिंग आ गई है उसमें, तो आप क्या करोगे, प्लांट के पास ट्रैक्टर को लेके आओगे और उसमें जो वाइब्रेशन के लिए शेकर एक मशीन होता है ना, उसको आप लोग जो है उससे फिट करोगे और पौधे में उसको, पौधे को ले जाके पूरा वाइब्रेट करोगे, तो क्या होगा, इस पौधे में जितने में स्प्लिटिंग आ गया उसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं एब्सिशन लेयर का फॉर्मेशन हो जाए रहेगा, तो उस एब्सिशन लेयर के फॉर्मेशन के कारण वो सारे फ्रूट जो है वो नीचे में झड़ जाया करेंगे। ठीक है, एक बार आप लोग मैकेनिकल शेकर का उपयोग देखना यूट्यूब में, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं, मैकेनिकल शेकिंग के थ्रू करते हैं। मैकेनिकल हार्वेस्टर उसमें हम लोग किसका उपयोग करते हैं, मैकेनिकल शेकर्स का उपयोग करते हैं, जो कि पौधे को तनों को पकड़ के सीधा एक साथ शेक करता है, जिससे सारा का सारा एक साथ झड़ जाता है। अगर मुझे मैकेनिकल हार्वेस्टिंग करना है तो क्या मैं किसी हार्मोन का सहारा ले सकता हूँ क्या? यस सर। यस सर। यस। कौन से हार्मोन का सहारा ले सकते हैं? आप इथिलीन का स्प्रे कर दो हार्वेस्टिंग से 3-4 दिन पहले। इथिलीन का स्प्रे करोगे तो हर फ्रूट जो प्लांट से अटैच्ड है, यहाँ पास एक एब्सिशन जोन होता है। यस। ये एब्सिशन जोन ऑक्सिन और इथाइलीन के कंसंट्रेशन से फॉर्मेशन होता है। जैसे ही इथाइलीन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, यहाँ पास एब्सिशन जोन बढ़ेगा और यहाँ पास ये डिटेच होने की कोशिश करेगा। नीचे से आप वाइब्रेट करोगे, पौधा हिलेगा और ये ब्रांच जो, ये फ्रूट जो है वहां से झड़ जाएगा। तो याद रखेंगे, इथाइलीन को मैकेनिकल हार्वेस्टिंग में यूज करते हैं नट क्रॉप्स में। अब इस चीज को मैं बोलूंगा कि ग्वावा या एप्पल या पाइन एप्पल, एप्पल या फिर उसमें, एप्पल में तो चलो फिर भी मैकेनिकल हार्वेस्टिंग कर ही लेते हैं, मैंगो में करो बोलूंगा तो मैंगो से उतने ऊपर से फ्रूट नीचे गिर तो जाएगा इथाइलीन के उपयोग से, पर वो फ्रूट डैमेज हो जाएगा। तो जनरली मैकेनिकल हार्वेस्टिंग में इथाइलीन का उपयोग किस क्रॉप में करते हैं, नट क्रॉप में, ऐसे क्रॉप में जिसमें फ्रूट से हमको कोई लेना देना नहीं रहता है, या ऐसे फ्रूट जो नीचे गिरने से बिल्कुल डैमेज नहीं होते, वहां पे आप मैकेनिकल शेकर्स का उपयोग करेंगे और वहां पे आप इथाइलीन का उपयोग करेंगे। ठीक है? यस सर। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। इसमें एक प्रॉब्लम है, याद रखेंगे, इसमें एक प्रॉब्लम है नॉन सिंक्रोनाइज्ड राइपनिंग का। इसमें कभी भी राइपनिंग एक साथ नहीं आती है, चाहे आप इथाइलिन स्प्रे कर दो तो भी इसमें एक साथ फ्लावरिंग राइपनिंग नहीं आएगी। हमने इथाइलिन का उपयोग जो है हार्वेस्टिंग के लिए किया है, ना कि राइपनिंग के लिए। तो याद रखेंगे, राइपनिंग के लिए इसमें जो है एक साथ नहीं आता, वो अपने मर्जी से ही पकता है, इथाइलिन का स्प्रे करने के बाद ही एक साथ पकेगा, ऐसा नहीं है। जबकि आपने फालसा या कई सारे क्रॉप में नॉन सिंक्रोनाइज्ड राइपनिंग का प्रॉब्लम देखा है, वहां पे हम इथाइलिन या इथेफोन का स्प्रे करके सिंक्रोनाइजेशन लाते थे, पाइनएप्पल में भी लाया हुआ है, याद है? यस सर। है ना, तो वो ये चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इसको हार्वेस्ट करने के बाद क्या करते हैं, जब हम लोग उसको कर्नल को अलग कर लेते हैं तो उसको ड्राई करते हैं। तो ड्राइंग करते समय हम लोग इसके मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करते हैं। तो मॉइस्चर कंटेंट को कितने परसेंट तक हम लोग रिड्यूस करते हैं, तो याद रखेंगे 5-7%। ये जितने नट्स हैं इनको 5-8% तक रिड्यूस करते हैं। चाय पत्ती को 2-3% तक मॉइस्चर कंटेंट में लाते हैं, याद रखना।
और ये जो हार्वेस्टिंग है ये जुलाई से सितंबर तक चलती है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब बस डिजीज इनसेल डिसऑर्डर और वैरायटी बची हुई है, थोड़ा सा पेशेंस और रखिए, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर शाम दो से तीन परसेंट रिड्यूस करते हैं मॉइस्चर के लिए। ये चाय में 2-3% बस मॉइस्चर कंटेंट लेके आते हैं, बस 2-3% मॉइस्चर कंटेंट रहता है उसमें चाय पत्ती में। इसमें केवल 5-8%। ज्यादा मॉइस्चर रहेगा तो रेंसिडिटी नहीं हो जाएगा जी, फैट इसमें इतना ज्यादा है। कई बार खाए नहीं आलमंड वॉलनट, खाते तो अजीब सा ऑयली ऑयली टेस्ट आता है, जिसको हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं। मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा रहेगा तो इनसेट डिजीज तो आएंगे ही आएंगे, प्लस उसका फ्लेवर भी खराब हो जाएगा, रेंसिड फ्लेवर आने लगेगा, तो उसको रिड्यूस करना जरूरी होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? यस। ठीक, इसके बाद अब हम लोग इसके इनसेट डिजीज को नोट करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इनके डिजीज की बात करूं तो एक डिजीज या डिसऑर्डर दोनों में हमने लिखा था, पहले तो इसमें लिख लीजिए, एक होता है इसमें लीफ कर्ल। अब लीफ कर्ल भाई वही वाला लगता है जो पीच में लगता है, दोनों रिलेटेड हैं, तो क्या आ जाएगा? टेफेरिना डिफॉर्मेंस, डिफॉर्मेंस लीफ कर्ल हो गया। ठीक है, इसके अलावा गमोसिस, तो सुडोमोनास सिरिंजी। अब मैं छोटा लिखा हूं तो आप लोग भी सुडोमोनास को छोटा मत लिख लेना, पूरा लिखना, सुडोमोनास सिरिंजी। ठीक है, इसके बाद इसमें एक आता है आलमंड रस्ट ट्रांस, TRANZSCHELLIA ट्रांसचेलिया डिसकलर। ठीक है, ये आलमंड रस्ट हो गया। इसमें कुछ वायरल डिजीज भी लगते हैं जिसमें से एक दो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक आता है जिसे हम लोग कहते हैं रिकेट्सिया। नाम पढ़े हैं पहले भी, याद है? यस सर। लीफ स्कॉर्चिंग के जैसा सिम्टम आता है करके बताया था, ये भी वायरस डिजीज है। इसके अलावा इसमें एक आता है आलमंड कैलिको, प्रूनस रिंग स्पॉट वायरस के कारण होता है, हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और भी होते हैं येलो बट मोजेक, मोजेक बट उतना काम का नहीं है। यहां तक क्लियर है सबको? सर रिकेट्सिया में लीफ के बाद क्या लिखा है? किसके बाद? स्कॉर्चिंग। ठीक, यहां तक हो गया। इसके बाद इसमें एक ना डिजीज और डिसऑर्डर दोनों में आएगा। ठीक है, एक आता है जिसे हम लोग कहते हैं बड फेलियर, बड फेलियर। ये जो बड फेलियर है ये दो प्रकार के होते हैं, एक बड फेलियर जिसे हम लोग क्या कहते हैं इन्फेक्शियस बड फेलियर, यानी कि क्या हुआ ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफर हो सकते हैं, मतलब ऑब्वियसली इसमें कोई ना कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगा, तभी तो ये एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर हो रहा है ना। तो ये होता है आपका PNRV। ठीक है, प्रूनस नेक्रोटिक क्या तो वायरस है, मैं इसका फुल फॉर्म आप लोग को आगे बताऊंगा। PNRV करके एक वायरस है, उससे ये फैलता है इन्फेक्शियस बर्ड फेलियर। इसमें क्या होता है, जो बर्ड होते हैं जो कि लीफ फ्रूट फ्लावर सबका फॉर्मेशन करते हैं, वो ग्रो नहीं हो पाते। ठीक है, बर्ड जो है ग्रो नहीं हो पाते, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं बर्ड फेलियर कहते हैं। ठीक है, दूसरा आता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं नॉन इन्फेक्शियस बर्ड फेलियर। बर्ड फेलियर के दो कारण हो सकते हैं, कि ये वायरस हो सकता है, दूसरा
दूसरी चीजें हो सकती है जिसमें वायरस इन्वॉल्व ना हो या कोई ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व ना हो, तभी वो एक पौधे से दूसरे पौधे में ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो एक होता है नॉन इन्फेक्शियस बर्ड फेलियर और दूसरा होता है इन्फेक्शियस बर्ड फेलियर। इन्फेक्शियस पीएनआरवी के कारण होते हैं और नॉन इन्फेक्शियस जो है इसी को हम लोग क्रेजी टॉप या फिर म्यूल टेल के नाम से जानते हैं। ये डिसऑर्डर क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, आप लोग को आइडिया होगा इस चीज का, मैंने पहले भी इस चीज को डिस्कस किया हुआ है। क्रेजी टॉप या म्यूल टेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये जनरली ऐसे एरिया में होता है जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, हाई टेम्परेचर वाले एरिया में होता है कि भाई पता चल रहा है कि उसका चिलिंग रिक्वायरमेंट पूरा ही नहीं हुआ, बट वैसे भी ग्रो नहीं हो पाएगा, बट ब्रेक होगा ही नहीं, तो हाई टेम्परेचर वाले एरिया में ग्रो होता है, इसे हम लोग नॉन इन्फेक्शियस बर्ड फेलियर कहते हैं, इसे ही क्रेजी टॉप या म्यूल टेल कहते हैं। तो क्वेश्चन आएगा क्रेजी टॉप या म्यूल टेल इज अ डिसऑर्डर ऑफ, तो आपको याद रखना है आलमंड, इसको स्टार मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस सर, क्लियर है सभी लोगों को? यस। अगर एक इंसेक्ट लिखना चाहे तो एक लास्ट इंसेक्ट लिख लीजिए, नेवल ऑरेंज वॉर्म, नेवल ऑरेंज वॉर्म, ये भी सारे टेम्परेट क्रॉप में आता है, पैरामाइलियोइस PARA है ना, ट्रांजिटेला, ये सब जो है क्या है वो नेवल ऑरेंज वॉर्म का बॉटनिकल नेम है ये। यहां तक क्लियर हुआ सबको? यस सर। याद रखेंगे हमने बिटरनेस का एक कैरेक्टर देखा है, ब्रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो बन सकता है, बिटरनेस जो कि किसके कारण होता है, एमिग्डेलिन। ये एमिग्डेलिन अगर मौजूद है तो एक क्या होगा, जिसमें मौजूद नहीं है वो क्या हुआ, स्वीट कर्नल हुआ, और जिसमें मौजूद है वो क्या हो गया, बिटर कर्नल। अब याद रखेंगे कि बिटरनेस जो है वो कौन से कैरेक्टर जीन से गवर्न होता है, रिसेसिव जीन से गवर्न होता है, सिंगल रिसेसिव जीन से। मतलब अगर कोई व्यक्ति बोले कि एक वैरायटी ऐसी है जिसमें पूरे बीटर कर्नल का प्रोडक्शन होता है या स्पीसीज है जिसमें बीटर कर्नल का फॉर्मेशन होता है, मतलब उसमें कौन सा जीन मौजूद होगा, सिंगल रिसेसिव जीन। वहीं पे मैं कह दूं कि स्वीट कर्नल है, अब स्वीट कर्नल है मतलब इसमें वो जीन एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है, तो कब होगा, जब इसमें उसी का कौन सा वेरिएंट अवेलेबल होगा, डोमिनेंट जीन। तो याद रखेंगे सिंगल डोमिनेंट जीन किसमें पाया जाता है, स्वीट कर्नल में, और बिटर कर्नल में क्या पाया जाता है, सिंगल रिसेसिव जीन, याद रहेगा? Yes. ठीक है, इसको याद रखना, मैं अभी आप लोग का एक और क्लास ले लिए रहूंगा तो उसमें ये चीज समझ में आ जाएगी, ब्रीडिंग का एक क्लास होगा जिसमें मैं रिसेसिव और डोमिनेंट वाले को कैसे डिसाइड करते हैं या कैसे आप लोग ट्रिक बना के याद कर सकते हैं वो चीजें मैं आप लोग को सिखाऊंगा। यहाँ तक हो गया? ठीक। अब लास्ट आता है आपका वैरायटी। अगर हम लोग आलमंड की वैरायटी की बात करें तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट आपको याद रहना चाहिए वो मैं लिखा देता हूँ, फिर जनरल वैरायटीज लिखा दूंगा। जैसे कि पॉलिनाइजर वैरायटी के रूप में हम किसे किसे उपयोग करते हैं, तो क्या क्या है भाई बताइए, आप लोगों को तो याद हो गया होगा, नेप्लस, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं म्यूटेंट वैरायटी की बात करूं तो सुपर नोवा, ठीक है, ये लेट फ्लावरिंग वैरायटी है, लेट फ्लावरिंग वैरायटी है और सेल्फ कंपेटिबल है। लेट फ्लावरिंग होने का कारण क्या होगा, ये स्प्रिंग फ्रॉस्ट से बचने में हेल्प करेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग सेल्फ फर्टाइल वैरायटी की बात करें, क्योंकि ये अपने आप में सेल्फ इनकम्पेटिबल है, तो कुछ सेल्फ फर्टाइल वैरायटी की बात करें तो एक आएगा जिंको, दूसरा आएगा मोलिसन, तीसरा आएगा फ्यूनो ड्रेक,
ढेबर, काथा, ये कुछ सेल्फ फर्टाइल वैरायटी है, याद हो तो ठीक है, ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना अगर हो पाए तो। हाँ, क्या बोल रहे हैं? लास्ट वाला क्या है? ये वाला, ये ढेबर है और ये काथा है, KAPHA। अब आता है नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में आपको याद होगा एक स्लो है जो कि आलमंड इन सॉरी जो कि क्या है, पीच इनटू आलमंड, और वहीं पे प्रूनस बहमी, प्रूनस नीरा है। इंटरजेनेरिक हाइब्रिड की बात हो रही है जो कि क्या है, आलमंड इनटू पीच। कुछ रैंडम वैरायटीज का नाम लिख लीजिए जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जा सकता है। इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है पेपर शेल। पेपर शेल इसके अलावा आप जो है पोमग्रेनेट में भी पढ़ेंगे, ठीक है? तो एक वैरायटी हो गई पेपर सेल, दूसरी वैरायटी हो गई सालीमार, तीसरी वैरायटी है मकधूम, चौथी वैरायटी है नॉन परेल। ये बहुत पॉपुलर वैरायटी है, ये और ये पेपर सेल और नॉन परेल, NON है ना, नॉन परेल, दोनों ही बहुत ज्यादा पॉपुलर वैरायटी है, याद रखिए। इसके अलावा इसमें भी एक वैरायटी है जिसका नाम है प्रभात, और प्रभात और सहारनपुर प्रभात पीच में भी आप पढ़े हुए हो। और एक वैरायटी है पियरलेस। तो इतनी वैरायटीज आप लोग याद रखना, इसके अलावा भी बहुत सारी वैरायटीज हैं, वो आप एक बार बुक खोलिए, वहां से आपको समझ में आएगा। बाकी लगभग जो इंपॉर्टेंट वैरायटी है वो यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है? Yes. तो इतनी सारी चीजें आप लोगों को आलमंड में जानने का है। वैसे तो लगभग मैंने जितना मेरे पास कंटेंट अवेलेबल है सारा मैंने आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया है। फिर भी अगर कोई चीज ऐसा लगता है कि क्लोस्टर इंस्टेंट या हैंडबुक से छूट गया है, जो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, हर क्रॉप के बाद बोलता हूँ। तो अगर कोई चीज नहीं समझ में आएगा तो बता सकते हैं आप लोग, ठीक है? तो इतनी चीजें आप, बहुत कुछ नया, चार पांच चीजें शुरू में एक्सप्लेन उसी को आपको मिलेगी। नेक्स्ट इवनिंग में एक क्लास करेंगे जिसमें हम लोग चेरी स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे चेरी को भी थोड़ा सा लंबा ही सही लेकिन लेके उसको हम लोग खत्म कर दें, ठीक है? तो अगर आज में ही आपका रोजेसी फैमिली खत्म हो जाता है तो केवल क्या बचेगा रोजेसी में, स्ट्रॉबेरी। तो हम लोग नेक्स्ट फोकस करेंगे स्ट्रॉबेरी एंड नट्स में फोकस करके उतने को पूरा कम्प्लीट कर देंगे, सो दैट संडे के बाद फिर अपन एक दो दिन रिलैक्स कर सकें, ठीक है? तो अभी कंटिन्यू क्लास होगी, कल भी ऐसे ही, कल भी छुट्टी है आप लोगों की, तो कल भी हम लोग इसी तरीके से क्लास करेंगे, ठीक है? मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।